हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 का 11th सम। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। अ बिल ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल। बिल को मैंने कब ड्रॉ किया? 14th अप्रैल को मैंने ड्रॉ किया फॉर ₹7,000। तो 7,000 क्या हुआ स्टूडेंट? मिला फेस वैल्यू। क्या हो गया? फेस वैल्यू इज माई, फेस वैल्यू बोल सकते हो, सम ड्यू बोल सकते हो, ठीक है ना। वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th ऑफ जुलाई। बैंक के पास कब गया मैं? 6 जुलाई को गया और उसके पास से डिस्काउंट करवा दिया एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और बैंक ने मुझे पेमेंट किया 6,930। 6,930 बैंक मुझे पे करता है, ठीक है। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। क्या फाइंड करना है? पीरियड ऑफ द बिल, बिल कितने टाइम के लिए ड्रॉ किया था। आइए डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते थे, ठीक है। तो डेट ऑफ ड्राइंग कितना दिया हुआ है? डेट ऑफ ड्राइंग मुझे दिया गया है यहाँ पे 14th अप्रैल, करेक्ट। और वहाँ से कहा गया हुआ है कि, और आगे दिया हुआ कि जो डिस्काउंटिंग है वो डिस्काउंटिंग मैंने कब करा है? 6th ऑफ जुलाई जाके बैंक के पास से डिस्काउंटिंग करवाया। मेरे को क्या फाइंड करना है? पीरियड ऑफ बिल। स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको पीरियड ऑफ बिल के लिए डेट ऑफ ड्राइंग से नॉमिनल ड्यू डेट तक ही कैलकुलेट करना है कितना, ठीक है। पीरियड ऑफ बिल के लिए हमें डेट ऑफ ड्राइंग से नॉमिनल ड्यू डेट तक ही फाइंड करना है, ओके। ये होगा मेरा पीरियड ऑफ बिल। ओके, ये हो गया मेरा पीरियड ऑफ बिल, ठीक है ना। पीरियड ऑफ बिल पूरा लिख देता हूँ मैं, थोड़ा हैंड राइटिंग गंदा है। पीरियड ऑफ बिल, ओके। तो ये टाइम मुझे फाइंड करने बोला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, मुझे ये फाइंड करने बोला हुआ है, ठीक है। और सीवी कितना दिया हुआ मुझे यहाँ पे? कैश वैल्यू जो है मुझे दिया हुआ है 6,930। और स्टूडेंट फेस वैल्यू भी दिया हुआ है। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? फेस वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,000। कितना दिया हुआ है? 7,000, ओके। फेस वैल्यू मेरा 7,000 था, बैंक के पास गया तो मुझे बैंक ने खाली 6,000, सॉरी 6,000, ओके, ठीक ओके फाइन, 6,930 ही दिया। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो एन क्या होगा मेरा यहाँ पे? डिस्काउंटिंग का इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली सीवी दिया, मतलब डिस्काउंटिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिस्काउंट होगा, बैंकर्स डिस्काउंट, जो बैंक ने चार्ज किया। बैंक ने कितने टाइम के लिए किया? ये डेट से लेके, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके ड्यू डेट तक, लीगल ड्यू डेट तक। ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे? एन हो गया। मुझे एन फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहला, ठीक है ना। तो आपको ये बीडी के फॉर्मूला से एन मिल जाएगा। एक बार आपको बीडी के फॉर्मूला से एन मिल गया तो आपको 6 जुलाई में वो डेज क्या करना है? ऐड करना है। 6 जुलाई से वो डेज ऐड करना है। तो जो भी डेट मुझे फाइनल मिलेगा वो क्या मिल जाएगा मुझे? लीगल ड्यू डेट। उसकी मदद से मैं पीरियड ऑफ बिल फाइंड कर सकता हूँ। वापस वो लीगल ड्यू डेट से 3 दिन माइनस करूँगा तो मुझे नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा। नॉर्मल ड्यू डेट मिलने पर मैं क्या कर सकता हूँ? पीरियड ऑफ बिल फाइंड कर सकता हूँ, ओके स्टूडेंट। चलिए आगे मूव करते हैं वापस सम की तरफ, ठीक है। समझते हैं अभी इसे हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा यहाँ पे? बैंकर्स डिस्काउंट, क्योंकि मुझे एफवी भी पता है और सीवी भी पता है, ओके। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, विच इज़ नथिंग बट 70 रुपीज़। कितना आ गया? 70 रुपीज़। अब बीडी के फॉर्मूला को यूज़ करके मैं एन फाइंड करूँगा, ठीक है। तो बीडी इक्वल टू एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। एच डी कितना मेरा? 7,000। 7,000 इंटू एन इंटू आर, आर कितना मेरा? 5 अपॉन 100। और बी डी का वैल्यू जस्ट मैंने अभी कैलकुलेट किया 70, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूँगा स्टूडेंट्स? इसे सॉल्व करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा। इसे सिंप्लीफाई करने पे कि मुझे कितना मिलेगा? 35,000। कितना मिलेगा? 35,000 एन। तो सेवन, जस्ट वेट स्टूडेंट,
ये मैंने क्या किया, 7535। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे सॉल्व किया डायरेक्टली, न्यूमरेटर को सॉल्व किया, डिनोमेटर को सॉल्व किया। ओके नॉर्मली मैं ऐसे ही करता हूँ सब सम्स में, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 70 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को कितना वैल्यू मिला, 7000, और 7535। ओके तो यहाँ से मुझे मिला 35N। N को मैंने एक तरफ ही रखा, दोनों वैल्यू को एक साइड में लेके जाऊंगा तो मुझे N का वैल्यू मिल जाएगा। N का वैल्यू कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 1/5। अभी ये 1/5 क्या है, वापस 1/5 हमारा ईयर है बरोबर। हमें क्या फाइंड करना है, डेज, और डेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बरोबर, 1/5 को 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं। तो एन क्या हुआ मेरा, जब मैंने एन को मल्टीप्लाई, 365 डेज को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 365/5 विच कम्स टू 73 डेज। कितना डेज मिला स्टूडेंट, 73 डेज। तो स्टूडेंट ये जो डिस्काउंटिंग का जो डेट है कितना, 6th ऑफ जुलाई, 6th ऑफ जुलाई को मैं, 6th ऑफ जुलाई से मैं अगर 73 डेज ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, लीगल ड्यू डेट। क्या मिल जाएगा, लीगल ड्यू डेट, ठीक है। 73 डेज नीड टू बी एडेड टू 6th ऑफ जुलाई इन ऑर्डर टू अराइव एट द लीगल ड्यू डेट, बरूबर ना। लीगल ड्यू डेट पे के पास पहुंचने के लिए आपको डिस्काउंटिंग के डेट से 73 डेज ऐड करना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, लीगल ड्यू डेट। तो टेबल के थ्रू हम देखते हैं, जुलाई में 6 डेज तो ऑलरेडी जा चुके थे, तो कितने डेज बचे जुलाई में, 31 डेज होते। 31 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो 25 मिलेगा, अगस्त के 31 डेज। फिर जो बचा हुआ डेज है वो कितना है, 17 डेज, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे 17 लिखोगे तब जाके टोटल कितना होगा, 73। तो सेप्टेम्बर के 17 डेज लगे मेरे को, तो 17 सेप्टेम्बर क्या हुआ स्टूडेंट मेरा, लीगल ड्यू डेट बरूबर ना। तो लीगल ड्यू डेट कितना हुआ मेरा, 17 सेप्टेम्बर। बट मुझे क्या फाइंड करना है, पीरियड ऑफ बिल। तो पीरियड ऑफ बिल के लिए मैं क्या करूँगा, 3 डेज माइनस करूँगा। जब मैं 3 डेज माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 14 सेप्टेम्बर। कितना मिल जाएगा, 14th सेप्टेम्बर, करेक्ट। तो अभी मुझे जो कैलकुलेशन करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है, मुझे कैलकुलेशन करना है अप्रैल, 14th अप्रैल से लेकर 14th सेप्टेम्बर तक। तो अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 14 सितंबर, एग्जैक्टली 5 महीने हो रहे हैं स्टूडेंट्स। कितने हो रहे हैं, एग्जैक्टली 5 महीने। तो मैं लास्ट में कंक्लूजन लिख दूंगा, देयरफॉर द पीरियड ऑफ द बिल इज इक्वल टू 5 मंथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।